हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ सभी की फेवरेट सोयाबीन की सब्जी को एक अलग ही विधि से बनाकर आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, इसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और आप इस रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास का जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए जल्दी से ये स्वादिष्ट सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है सोयाबीन। तो सोयाबीन को हम सबसे पहले उबाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन में लिया है पानी, जिसे मैंने अच्छे से गर्म किया है और उसके बाद मैंने इसमें नमक को मिला लिया। नमक को ऐड कर लेने के बाद मैं इसमें सोयाबीन को उबलने के लिए डाल दूंगी। दोस्तों, केवल इसमें हमें एक मिनट के लिए उबाल लाना है और उबाल देखिए आ गया है। तो फ्लेम को कर लीजिए ऑफ और अच्छे से पानी से निकाल लेना है। फिर पानी से हमें दो तीन बार इसे अच्छे से वॉश करना है और सभी पानी को जो है सोयाबीन से निचोड़ लीजिएगा। आगे के स्टेप में मैंने लिया है एक कुकर। कुकर में हम ऐड करेंगे चना का दाल। दोस्तों, चना के दाल को मैंने दो घंटे तक पानी में भिगो कर रख दिया था और दो घंटे बाद पानी से इसे निकाल ली हो और इसे मैंने कुकर में ऐड कर लिया और ऊपर से मैंने पानी ऐड किया है, साथ ही इसमें नमक ऐड किया है। इन दोनों चीज़ों को डाल लेने के बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया और अब इसका हम लीड लगाएंगे और केवल इसमें एक सीटी लगने देंगे। तो दोस्तों, एक सीटी लग गया है, तो चलिए कुकर से गैस निकालकर ढक्कन खोल लेते हैं। तो देखिए, हमारा जो दाल है वो बहुत अच्छी तरीके से पक गया है। तो चलते हैं अगले स्टेप में। तो आगे यहाँ पर मैंने लिया एक कढ़ाई। कढ़ाई में ऐड करूँगी कुछ मसाले जिसे हमें रोस्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने लिया है धनिया, इलायची, जीरा, तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च और दालचीनी। इन सभी को हमें कढ़ाई में डाल लेना है और इसे हम लगभग 50-55 सेकंड्स के लिए इस तरह से चलाएंगे, ताकि मसाले हमारे अच्छे तरीके से रोस्ट हो जाएं। मसाले में से हल्का आपको एक अलग सा सुगंध आने लगेगा, साथ ही इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा मसाला जो है बहुत अच्छे तरीके से रोस्ट हो गया है। देखिए, इसका कलर भी चेंज हो गया है और इससे एक स्मेल भी आ रहा है। चलिए, अब इसे हम अलग बर्तन में निकाल लेती हैं और इसे अच्छे से हमें ठंडा कर लेना है और ठंडा करने के बाद मिक्सी जार में डालकर पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स लिया है कस्तूरी मेथी। आगे के स्टेप में मैंने उसी कढ़ाई में कुकिंग ऑयल को ऐड किया है। ऑयल को अच्छे से गर्म कर ली हूँ दोस्तों, और गर्म होने के बाद हम इसमें फ्राई होने के लिए सोयाबीन को ऐड कर ले रहे हैं। तो दोस्तों, तेल को बढ़िया से गर्म कर लीजिएगा, ताकि हमारे सोयाबीन जो है चिपके ना और बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। तो लगभग हम इसे 1-1.5 मिनट के लिए अच्छे से चलाएंगे, ताकि हमारा सोयाबीन बहुत अच्छे तरीके से पक जाए और इसका कलर जो है गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए। तो दोस्तों, 1-1.5 मिनट के बाद देखिए हमारा सोयाबीन कितने अच्छे तरीके से पक गया है और इसका कलर भी देखिए चेंज हो गया है। चलिए, अब इसे हम अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, इसी कढ़ाई में हम वापस से ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे दोस्तों। तो तेल तो गर्म हो गई है, तो अब इसमें हम सबसे पहले ऐड किए हैं हींग को, साथ ही इसमें मिला लेंगे जीरा को। जीरा को हमें लगभग 10-15 सेकंड्स के लिए अच्छे से चटकने देना है। तो मैं इसे चलाते हुए 10-15 सेकंड्स के लिए पका ली हूँ दोस्तों। तो 10-15 सेकंड्स के बाद अब इसमें मैं ऐड कर लूँगी प्याज, जो कि बारीक कटी हुई है। प्याज को ऐड करके हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसे हम थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। लगभग 50-55 सेकंड्स के लिए पकाना है। ये हमारा प्याज जो है सॉफ्ट हो जाएगा और इसका कलर भी हल्का चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों, 50-55 सेकंड्स के लिए मैंने इसे पका लिया है और देखिए प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो आगे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट, साथ ही इसमें ऐड की हूँ हल्दी पाउडर। इन दोनों चीज़ों को डालकर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इन मसालों को लगभग हम 1 मिनट के लिए पकाएंगे दोस्तों। तो 1 मिनट के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, साथ ही इसमें ऐड करेंगे टमाटर जो कि बारीक कटी हुई है। इन दोनों चीज़ों को डालकर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है।
तो दोस्तों मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। आगे अब इसमें हम ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसे डालकर हमें इसे अच्छे से मिला लेना है। तो दोस्तों मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से मिला लिया और लगभग हम इसे एक मिनट के लिए पकाएंगे ताकि हमारा टमाटर जो है बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो दोस्तों एक मिनट के बाद देखिए हमारा टमाटर कितने अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गया है और इसमें देखिए मसालों ने तेल छोड़ भी दिया है। तो आगे मैंने इसमें फ्राई किए हुए सोयाबीन को ऐड कर लिया है। इसे डालकर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स कर लेने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे चना के दाल को। इसे भी डालकर हमें इसे अच्छे से चला लेना है। तो दोस्तों मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। तो मैंने पानी को अच्छे से गर्म कर लिया है। गर्म पानी को हम कढ़ाई में ऐड कर लेंगे और पानी को ऐड कर लेने के बाद हमें इसे अच्छे से मिला लेना है। तो दोस्तों मैंने इसे मिक्स कर लिया और अब इसका हम लीड लगाएंगे और लगभग 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। तो दोस्तों 2 से 3 मिनट हो गया है, तो चलिए लीड खोल कर देखते हैं। चलिए अब इसे हम एक बार चला लेते हैं। आगे अब इसमें हम ऐड करेंगे कस्तूरी मेथी। तो दोस्तों हाथों में इस तरह से लेना है और इसे थोड़ा सा मसल लेना है और इसे मसलते हुए हमें कड़ाही में ऐड कर लेना है। और दोस्तों आगे हमने जो मसालों का पाउडर तैयार किया था रोस्ट करके, उन मसालों को हमें कड़ाही में ऐड कर लेना है। थोड़ा सा मसाला मैंने रख लिया है, इसे मैं गार्निशिंग के समय यूज करूंगी। तो मैंने इसे डाल लिया और चलिए अब इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। और अच्छे से मिला लेने के बाद हम इसका लीड लगाएंगे और वापस इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। तो दोस्तों 2 से 3 मिनट हो गया है, तो चलिए लीड खोल कर देखते हैं। चलिए अब इसे हम एक बार चला लेते हैं। आगे अब इसमें हम ऐड करेंगे गरम मसाला। गरम मसाला को डालकर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। आखिरी स्टेप में अब इसमें हम धनिया पत्ता डालकर गार्निशिंग दे देंगे। तो दोस्तों फ्लेम को कर लेंगे ऑफ क्योंकि हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। और देखिए ये देखने में कितनी स्वादिष्ट लग रही है, खाने में ये उतनी ही स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। और सर्व करने के बाद आखिर में हमने जो मसाले का पाउडर रखा था रोस्ट किए हुए मसालों का पाउडर, उसे हम छिड़क लेंगे और उसके बाद हम इसे सर्व कर लेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि सोयाबीन के साथ चना दाल की सब्जी बनाना कितना आसान है, तो आप इस आसान रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए और अपने अनुभव को हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। ऐसी ही इजी और डिलीशियस रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ फिर से मिलते हैं। जब तक के चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।